क्रिकेट न सिर्फ केवल खेल के लिए जाना जाता है बल्कि ग्लैमर्स के लिए भी जाना जाता है। और क्रिकेटर्स की जो पत्नियां होती हैं वो भी ज़्यादातर हाई प्रोफाइल होती हैं, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होती हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे उन्हीं पत्नियों के बारे में। लसित मलिंगा, मलिंगा को कौन नहीं जानता है। उन्होंने विवाह किया एक टीवी अदाकारा से। कहा जाता है कि टेलीविज़न देखकर ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे शादी इसी अदाकारा से करेंगे। दूसरी जो जोड़ी है वह रोहित शर्मा और उनकी पत्नी की है। हम सब देखते हैं कि रोहित शर्मा की जो पत्नी है वो एक्टिव रहती हैं, रोहित शर्मा के बिजनेस को संभालती हैं, उनके अकाउंट्स को संभालती हैं, पीआर की भूमिका भी निभाती हैं और ऑफ द फील्ड भी हमने देखा है कि किस तरह से रोहित शर्मा को संवारने में उनकी अहम भूमिका रही। रोहित शर्मा अब दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं, आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। अभी हाल में विजडन क्रिकेट की विजडन ने जो आईपीएल की टीम बनाई थी उसमें कैप्टन बने थे रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा का एक लव लाइफ भी है, वे हमेशा इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं, अपनी पत्नी और फैमिली और बच्चे के साथ की फ़ोटोज़ अपलोड करते रहते हैं। एडोरेबल कपल हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ऑन द स्क्रीन और ऑफ द स्क्रीन भी। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रोहित शर्मा के सक्सेस में उनकी पत्नी की अहम भूमिका रही। इवन मॉर्गन और मिसेस मॉर्गन, मिसेस मॉर्गन भी यूएन मॉर्गन को एक आइडियल पत्नी के रूप में साथ देती हैं और मॉर्गन भी अपनी पत्नी को प्रमोट करने में कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। मॉर्गन की सफलता के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने पहली बार इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया। वर्ल्ड कप कहा जाता है कि क्रिकेट इंग्लैंड की देन है, लेकिन इंग्लैंड खुद ही वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था। तो वर्ल्ड कप जिताने में हम सबको याद है कि किस तरह अहम भूमिका निभाई थी। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर को कौन नहीं जानता है, अपने समय के सबसे तेज गेंदबाज, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है इनके नाम से, बैट्समैन इनके नाम से कांपते थे और इनकी और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जो लड़ाई होती थी बॉलर बल्ले के बीच में शानदार हुआ करती थी। तो उनकी भी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करते हैं और वे आजकल यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। तो पत्नी के द्वारा इंस्पायर्ड होने के बाद यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है शोएब अख्तर ने। अभी हाल ही में हमने देखा कि यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जिससे में उन्होंने खुलासा किया कि किस प्रकार गैर मुस्लिम खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान में भेदभाव किया जाता है। तो आउट स्पोकन है, बोलते रहते हैं। और जहां तक इनकी मैरिड लाइफ की बात है तो शानदार रहा है इनकी मैरिड लाइफ, खूबसूरत कपल हैं, माशा अल्लाह जब भी टीवी पर दिखते हैं तो शानदार दिखते हैं। अब बात करेंगे शाकिब अल हसन और मिसेस हसन। शाकिब अल हसन दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, बांग्लादेश का अगर पहला स्टार कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिना ओवरस्टेटेड, बिकॉज इन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट को एक क्लास दिया है, चाय दी है। बांग्लादेश की अभी हाल ही में कुछ साल पहले भी क्रिकेट खेलती हैं और इंसिडेंटली ये भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही खेलती हैं, विकेट कीपर हैं इनकी वाइफ, और इनकी वाइफ के नाम से भी ढेरों रिकॉर्ड क्रिकेट जगत में है। तो शानदार कपल। और अपनी जो शानिया नेहवाल और शोएब मलिक के बारे में कौन नहीं जानता, दोनों जब शादी किए थे तो पूरी दुनिया में एक शॉक की लहर हो गई थी, क्योंकि जहां सानिया नेहवाल भारत से टेनिस खेलते हुए पाकिस्तान के दल का कैप्टन हुआ करते थे शोएब मलिक, उस समय में जब उनका विवाह हुआ था, और अभी भी पाकिस्तान भारत के बीच रिलेशन सही नहीं है।
एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो विराट कोहली इंडियन स्कीपर, इनकी भी मैरिड लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है, एक आइडियल जोड़ी है दोनों, और शानदार दिखते हैं ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन। एक बॉलीवुड और क्रिकेट का एक सफल मिश्रण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोनों ही इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, फोटोज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं। दोनों का लव अफेयर भी बहुत चर्चा में रहा था जब शादी से पहले लोग जब जिक्र करते थे। अभी 2 साल पहले इनकी शादी हुई है और सफल जोड़ी क्रिकेट और बॉलीवुड की। एबी डी विलियर्स को कौन नहीं जानता, चौकेर छक्कों के लिए जाने जाते हैं, शानदार फील्डिंग करते हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं। मेरो रिकॉर्ड है अगर इस दौर के सबसे महान खिलाड़ियों में से किसी एक का नाम जोड़ी है, ये लोग प्यार देते हैं क्रिकेट में, जान ला देते हैं क्रिकेट में, कि में रुचि बढ़ जाती है उन लोगों की भी जो समवॉट क्रिकेट को पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी सफल जोड़ियों की वजह से चर्चा में रहते हैं, और जो नॉन क्रिकेटिंग माइंड है वो भी फॉलो करते हैं इन जोड़ियों को।